होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में न्यायालय में नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर भवन का ई लोकार्पण किया गया। यह लोकार्पण मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मीडिएशन सेंटर में वृक्षारोपण भी किया गया। मीडिएशन सेंटर की स्थापना में पक्षकारों के बीच चल रहे विवादों का निराकरण मधुर वातावरण के बीच इस सेंटर में हो पाएगा। विवादों का वैकल्पिक रूप से समाधान होने पर न्यायालयों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ में भी कमी आएगी। मीडिएशन सेंटर में मुख्य रूप से वैवाहिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, क्लेम प्रकरण आदि रेफर किए जाते हैं, जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त मध्यस्थों को भेजा जाता है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में आज मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा वीसी के जरिए। और इस मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत से न केवल यहाँ के लोग बहुत लाभान्वित होंगे, बल्कि इस कड़ी की शुरुआत इसके उद्घाटन के पहले कर दी है। यहाँ के दो अधिवक्ता जो हैं, उनको 40 घंटे का प्रशिक्षण अभी सालसा के द्वारा दिया गया है, जो कि निश्चितता अपना योगदान से इस तहसील के जो प्रकरण है उनके निपटारे में सक्षमता से वो आगे कार्यान्वित करेंगे। और इस मध्यस्थता केंद्र को जिस खूबसूरती से बनाया गया है, यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं यशवंत मालवीय जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस बिल्डिंग को काफ़ी अच्छे से इन्होंने तैयार करवाया है। छोटी से छोटी बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है इसमें, पक्षकारों की सुविधा को लेके, और ना केवल उनके बैठने की व्यवस्था बल्कि हर तरह से उनको देख के एक एक चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा है। बस अब शुरुआत की देर है और शीघ्र ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके सक्षम मार्गदर्शन में और आदरणीय डीजे साहब के डायरेक्शन के तहत यहाँ पे शीघ्रता से प्रकरणों का अच्छी तरह से निराकरण होगा। और जो अधिवक्ता बंधु यहाँ पे अभी ट्रेंड होकर आए हैं, उनको भी काफी अच्छे से कार्य करने का यहाँ पे वातावरण मिलेगा। ई लोकार्पण कार्यक्रम में अधिवक्ता और अधिकारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमान न्यूज, सोनी मालवा।